myself Bunod Mangare. Students, in the last class we discussed about the asexual reproduction in lower organisms. That is the part of your first chapter of 12th standard, that is reproduction in organism. जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है और उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, उसी के साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है उसके बारे में आपको बताया है। उसमें फिजन था, बाद में बडिंग, देन फ्रैगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, सो दिस ऑल फॉर्मेशन, सो ऑल दिस आर द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज asexual reproduction in plant is called as asexual reproduction in plant is called as asexual reproduction in plant is called as vegetative propagation. Okay, what is the meaning of propagation? प्रोपोगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की जगह पे प्रोपोगेशन वर्ड क्यों यूज किया गया? प्रोपोगेशन मीन्स प्लांट प्रोपेग्यूल्स हेल्प टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, एंड यू नो प्रोपोगेशन यूज प्लांट प्रोपेग्यूल्स, एंड दिस प्लांट प्रोपेग्यूल्स इज नथिंग बट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट कॉमा स्टेम कॉमा लीफ कॉमा बर्ड, सो दीज आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, एंड दीज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्लांट प्रोपेग्यूल्स, एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, नो नीड ऑफ मैच्योरिटी। ओके, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम टिश्यू कल्चर बोल सकते हैं। ओके, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, and production of offspring from the vegetative propagules, production of clone, production of new individual from the vegetative propagules. Okay, propagules, what is the meaning of propagules? Plant parts. Vegetative propagules called as plant parts give rise to new plants, and vegetative propagules are unit of vegetative propagule is the unit of वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगुल चाहिए। ओके, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। आपको ये भी पता होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब होता है वो दो तरीके से होता है, वन इज नेचुरल एंड अदर इज आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय बेसिक टू मेथड्स, कौन कौन से दो मेथड से होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वन इज कॉल्ड एज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी नेचुरल मेथड क्या है? ये ऐसे मेथड है कि यहाँ पे नेचुरली प्लांट क्या करता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है ना, विदाउट ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन का वेलफेयर की जरूरत नहीं है। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचर परफॉर्म करता है प्रोपोगेशन, तो उसमें सबसे पहला पार्ट है आपको पता है रूट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल जो प्रोडक्शन करने वाला पार्ट है वो है रूट। सेकंड पार्ट है आपको पता होगा स्टेम। थर्ड पार्ट है दैट इज रनर, एंड फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ। सो दीज आर ऑल प्लांट पार्ट्स, ये पूरे प्लांट के पार्ट है जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए हेल्प करते हैं ना। तो कैसे होता है प्रोपेगेशन देखो, नेचुरल मेथड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स इन द नेचर। ओके, सोमेटिक प्लांट के पार्ट जो है ओके वो नेचुरल कैपेसिटी है उसमें, क्योंकि आपको पता होगा ओके यूरी सेल ऑफ द प्लांट इज टोटिपोटेंट। What is totipotency? Potential ability of the single cell of plants to develop into whole plants. मतलब plant के कौन से भी part के आप cell ले लो, root की लो, stem की लो, seed की लो, कौन से भी plant की अगर cell लेते हो तो उस हर cell से, every cell से क्या बनता है?
पूरा प्लांट बनता है उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। और विजुअली प्रोपगेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, सोमेटिक सेल जो है, सोमेटिक बॉडी पार्ट जो है डिटैच होता है कहाँ से, पैरेंट पार्ट से, और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। ओके, रूट में आपको पता होगा, रूट में बेसिकली दो टाइप के रूट है, रूट में दो टाइप के रूट है, वन इज फैसिकुलेट या फ्लेसी रूट्स, वन इज फ्लेसी रूट्स, सेकंड इज नॉन फ्लेसी रूट्स। फ्लेसी रूट्स एंड नॉन फ्लेसी रूट्स, फ्लेसी रूट में क्या आता है, फ्लेसी रूट में कौन आता है, इनसाइड द फ्लेसी रूट्स देर आर डिफरेंट रूट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्लेसी रूट में आओ तो ओके कौन से, ट्यूबरस रूट्स, फ्लेसी ट्यूबरस रूट्स, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो फ्लेसी ट्यूबरस, एंड सेकंड इज फैसिकुलेटेड रूट्स फैसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल धालिया या एस्परेगस। सो दीज आर द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो। ओके, शकरकंद बोलते हैं इसको हम, जो सिंपल ट्यूबरस रूट है, सिंपल ट्यूबरस रूट फॉर्म होती है और ओनली प्लांट प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली, उसके ऊपर एडवांटेजेस पर फॉर्म होते हैं ना, कहाँ पे, स्वीट पोटैटो का जो रूट है उसके ऊपर एडवांटेजेस रूट फॉर्म होते हैं, एंड दैट एडवांटेजेस रूट्स, वो जो एडवांटेजेस रूट्स है स्वीट पोटैटो के ऊपर आए हुए एडवांटेजियस बर्ड क्या करते हैं, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता होगा ये जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं स्लीप भी बोलते हैं, ऐसे लाइक स्लीप मतलब न्यू प्लांट भी प्रोड्यूस होता है ना कहाँ से, एडवांटेज बर्ड से, उसको स्लीप बोलते हैं। और नॉन फ्लेसी रूट में आता है आपका कड़ी पत्ता। ओके, कड़ी पत्ता जो प्लांट है वो नॉन फ्लेसी रूट में आता है, गावा है, कड़ी पत्ता है, ये नॉन फ्लेसी रूट है, इसमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, सो रूट से बन गया। नाउ नेक्स्ट इज समटाइम स्टेम इज ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। ओके, रूट से जैसे न्यू प्लांट बन गया वैसे स्टेम से भी न्यू प्लांट बनता है। स्टेम में आपको पता होगा बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन तीन टाइप तरीके से होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। तो आपके सिलेबस में जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो सा स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जो सॉइल के नीचे है उसके दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वन इज पोटैटो। सो व्हाट हैपन इन पोटैटो, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड एट द बेस ऑफ स्केली लीव्स। पोटैटो में क्या होता है, स्केली लीव्स के बेस में एक्सिलरी बर्ड फॉर्म होता है। व्हाट इज एक्सिलरी बर्ड, द बर्ड इज फॉर्मड एट द बेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। और उसके बाजू में कौन है, ये स्केली लीफ है। तो आपको पता होगा कि दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं आइज। किसको पोटैटो के ऊपर जो एक्चुअली बर्ड है और स्केलियोस है, ये दोनों को मिलाकर हम कहते हैं आइज। सो दिस आइज ऑफ द पोटैटो स्प्राउट ग्रो एंड डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये जो एक्चुअली बर्ड है, जो आइज है, वो ग्रो होते हैं और उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं पोटैटो इज द अंडरग्राउंड ट्यूबरस स्टेम। पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड ट्यूबरस स्टेम है, जहाँ पे पेरेंट बॉडी से, पेरेंट स्टेम से ये बर्ड अलग हो जाता है एंड न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। ओके, उसी के साथ रनर भी है, राइजो भी है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, ये सभी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये सभी मॉडिफिकेशन किसका है, स्टेम का। और कौन कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन, रनर, ट्यूबर, ऑफसेट, ओके, सकर्स, बल्ब आपको पता होगा, बल्ब इज फॉर्म इन द ओनियंस, ओनियन में होता है बल्ब फॉर्म। ओके, ऐसे कुछ प्लांट्स है उसका हम एग्जांपल देने वाले। ओके, एंड दे कैपेबल ऑफ गिविंग राइज़ टू न्यू प्लांट्स। वो क्या करते हैं, न्यू लोकेलिटी में, न्यू एरिया में, न्यू प्लेस पे न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। स्टेम है और उसमें मैंने अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो बोला, ट्यूबरस स्टेम बोला है, उसी के साथ कॉर्म भी है। कॉर्म पता होगा आपको, झामी खंड और कोलोकेशिया में होता है, झामी खंड में और कोलोकेशिया में कॉर्म फॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेम फॉर्म होता है। और कुछ प्लांट जो है उसमें अंडरग्राउंड स्टेम है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा दैट इज राइजोम,
rhizome. What is rhizome? Underground horizontal stem modification. यहाँ पे stem का जो modification होता है वो horizontal है and rhizome formation generally occur. Rhizome formation generally occur in the turmeric और ginger. Turmeric मतलब हल्दी, ginger मतलब अदरक. ये दोनों plant में होता है. क्या rhizome formation होता है, underground stem form होती है. और जैसे ही ये rhizome की जो ऊपर की बड़ है वो ये नोड है, नोड के ऊपर क्या होता है, एरियल पार्ट में लीव्स फॉर्म होते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट में रूट फॉर्म होते हैं. और इस तरीके से राइजोम और पाम में डिफरेंस क्या है, राइजोम ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड पाम ग्रो वर्टिकली. ये दोनों में फर्क है, दोनों भी अंडरग्राउंड स्टेम है. कौन कौन, राइजोम भी और पाम भी अंडरग्राउंड स्टेम है. दोनों के एग्जाम्पल अलग है और दोनों का ग्रोथ का डायरेक्शन अलग है. ओके, और दीज आर कॉल्ड प्लांट प्रोपेगुल्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. ओके, तो इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है ना. ऐसे बहुत एग्जाम्पल है आपको देने वाले. अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. बल्ब भी है, बल्ब मतलब कहाँ पे मिलता है आपको, ओनियन एंड गार्लिक भी मिलता है. ओनियन प्याज मिलता है या गार्लिक में लहसुन भी मिलता है, उसको हम बल्ब बोलते हैं. ओके, ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है. सो दिस ऑल एग्जाम्पल्स. आइगियो है लीफ में ब्रायोफाइट. और ऑफसेट किसमें फॉर्म होता है, ऑफसेट को बोलते हैं हम लोग एक्वाटिक रनर्स, जो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो होता है. ओके, जिसको हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, टेरा बंगाल वाटर हाइसिंथ बोलते हैं. इकेनोरिया वाटर हाइसिंथ, टेरा बंगाल ये जो प्लांट है पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो होता है, इसीलिए उसको एक्वाटिक रनर बोलते हैं, उसको ऑफसेट बोलते हैं. और वो भी विजिटिव प्रोपोगेशन करता है. कैसे, सबेरियल स्टेम से. ठीक है, इकेनोरिया का एग्जाम्पल है. इकेनोरिया को हम सॉसेज या स्टोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज कहते हैं, टेरा बंगाल भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं इकेनोरिया को. तो ये प्लांट जो है इन्वेजिव वीड है. इन्वेजिव मतलब बाहर से आया हुआ, पर्दे से आया हुआ वीड है, जिसके फ्लावर्स अगर ब्यूटीफुल है इसलिए वो प्लांट के वाटर के ऊपर स्टैंड होता है. कौन, इकेनोरिया प्लांट जो है, इकेनोरिया प्लांट्स एक्वाटिक रनर. एक्वाटिक रनर पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो होता है ऐसा. और ये विजिटल प्रोपोगेशन करने की वजह से ये प्लांट ऐसे मल्टीप्लाई होता है वाटर सरफेस के ऊपर एंड विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर वो कैना भी फॉर्म करता है. एंड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इकेनोरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज द ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर डिक्रीजेस. पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है. एंड दैट लीड टू द किलिंग ऑफ फिश. इसके वजह से क्या हो जाता है, पानी के अंदर का ऑक्सीजन कम होने की वजह से पानी के अंदर जो फिश होती है ना, फिश ओके मछलियां जो होती है वो मर जाती है ना. किसकी वजह से बोल रहा हूँ, किसकी वजह से मछलियां मर रही बोल रहा हूँ, इकेनोरिया की वजह से. इकेनोरिया वाटर हाइसिंथ, टेरा बंगाल. ओके, टेरा बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल जो है ओके, बंगाल का उपसागर जो है उसमें ये जनरली ग्रो होते हैं और वहां पे ये मार देते हैं फिश को, इसीलिए इसको टेरा बंगाल कहा गया है. इसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल है. ओके, एंड प्रोपोगेटेड विजिटली और वाटर बॉडी के ऊपर शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं और उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. गेट नॉट इजी टू गेट रीड ऑफ, मतलब निकालना बहुत डिफिकल्ट है उनको. ठीक है, और टूरियन भी है. टूरियन इज नथिंग बट द विजिटिव प्लांट पार्ट प्रोड्यूस बाय द यूट्रिकुलारिया. आपने सुना होगा यूट्रिकुलारिया क्या है, एंसिड्यूरस प्लांट्स है. एंसिड्यूरस प्लांट से उसमें टूरियन फॉर्म होता है और टूरियन जो है उसमें स्टोर्ड फूड होता है, डेवलप्ड एक्वाटिक प्लांट में डेवलप होता है अनफेवरेबल कंडीशन में एंड डिराइव फ्रॉम द शूट्स. एंड टूरियन के डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट्स, ये टूरियन जो है मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं और जर्मिनेट होके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ना. कौन, टूरियन्स. ओके, यूट्रिकुलारिया में फॉर्म होते हैं. बाद में बल्बिल भी है. बल्बिल मतलब क्या है, जहाँ पे स्टेम के ऊपर एक्सिलरी बड जो है वो मॉडिफाई होके क्या करती है, पैरेन्कमा सेल का मास बनाती है ना, उसको हम बल्बिल बोलते हैं. बल्बिल्स ये स्टेम है और यहाँ पे लीफ है, तो लीफ के बेस में क्या होता है बेटा, एक्सिलरी बड जो है पैरेन्कमा सेल्स वो बनाते हैं क्या, बल्बिल्स. एंड दैट बल्बिल नथिंग बट द मास ऑफ पैरेन्कमा सेल, ये डिटैच हो जाता है, कट हो जाता है पैरेंट प्लांट से, मदर प्लांट से. एंड फ्रॉम दैट बल्बिल ओके विच प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ क्या एक्सिल से बनता है, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. ओके, एग्जांपल इज
ऑप्शन इज हैगियो और डायोस्कोरिया, डिस्कोरिया एग्जांपल है इसका बल्बिल का, हैगियो है ऑक्सेलिस है और डिस्कोरिया बैस्कोरिया बोलते हैं उसको एग्जांपल है। ओके सो देयर ऑल नेचुरल मेथड्स। ओके मैंने आपको बोला है क्या हुआ, रूट में हो गया, स्केल में हो गया, रनर में हो गया, रनर में ऑक्सेलिस भी है, रनर में ऑक्सेलिस है उसमें भी न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। आप बोलेंगे रनर क्यों बोलते हैं सर, रनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लांट क्या होता है सबेरियस स्केल में इसकी एंड दिस प्लांट्स आर रन हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड, जहाँ पे बिलो द ग्राउंड क्या फॉर्म करते रूट और अबव द ग्राउंड क्या फॉर्म करते शूट फॉर्म करते हैं, इसलिए उसको प्लांट को कहा गया रनर। ओके रनर कहा गया। लास्ट वन इज विजिटेड प्रोपोगेशन बाय लीफ, लीफ ऑफ द प्लांट इज लाइक ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ओके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम डायजिरामेंटन नाम का प्लांट है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ये जो लीफ है इस लीफ के ऊपर जो मार्जिन है लीफ की जो मार्जिन है उस मार्जिन के ऊपर नॉच फॉर्म होते हैं, डिप्रेशन फॉर्म होता है एंड डेट मार्जिन और नॉच, मार्जिन और नॉच के ऊपर क्या फॉर्म होता है फोलियर बर्ड, फोलियर बर्ड फॉर्म होती है या उसी को बोलते हैं हम लोग ईपी फाइलस बर्ड। ईपी मतलब ऊपर, फाइलस मतलब लीफ, लीफ के ऊपर बर्ड फॉर्म होती है एंड दिस बर्ड दिस फोलियर बर्ड डिटैच फ्रॉम द ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ से क्या होता है फोलियर बर्ड अलग हो जाते हैं डिटैच हो जाते हैं एंड इंडिपेंडेंटली न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज विजिटेड प्रोपोगेशन बाय लीफ इन द ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में विजिटेड प्रोपोगेशन लीफ के द्वारा होता है ना, नेचुरली लीफ से प्रोपोगेशन नहीं होता। लीफ के मेन दो फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस है और ट्रांसपिरेशन है। ओके मगर यहाँ पे लीफ अलग ही काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ विजिटेड प्रोपोगेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। ओके अभी हम जा रहे हैं नेचुरल मेथड के बाद, अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड के बारे में। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, ओके इट इज द मैन मेड टेक्निक, इट इज द मैन मेड टेक्निक ओके प्रोड्यूस द प्लांट्स फॉर बेनिफिशियल, ओके कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट के लिए, प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड ऑफ यूज की जाती है, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर में ये जनरली मेथड यूज की जाती है और आर्टिफिशियल मेथड में भी और टाइप्स है। पहला टाइप है आपने सुना होगा कटिंग है, दूसरा टाइप है बडिंग है या उसी को हम बर्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, तीसरा टाइप है ग्राफ्टिंग है, तीसरा टाइप कौन सा है ग्राफ्टिंग है और नंबर फोर टाइप इज लेयरिंग भी है, लेयरिंग भी है और उसी के साथ साथ सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन या उसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ये लास्ट में मिलूंगा। ओके ये अलग अलग मेथड है, फिर इसमें आर्टिफिशियल मेथड में नेचुरल मेथड हमारे खत्म हो चुके हैं। विजिटेड प्रोपोगेशन में आपको दो बताया था, एक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर आर्टिफिशियल में वन बाय वन हम लेते हैं मेथड, फर्स्ट मेथड इज उसमें जो फर्स्ट मेथड मैं ले रहा हूँ कटिंग क्या है, सिंपल है कटिंग में क्या करना है, स्टेम कटिंग हो, रूट कटिंग हो, लीफ कटिंग हो, उसमें हम क्या करते हैं पहले प्लांट का जो पार्ट है जिसके ऊपर नोड हो, जिसके ऊपर बर्ड हो, ओके जहाँ पे बर्ड है जहाँ पे नोड है ऐसा पार्ट स्टेम का सिलेक्ट करते हैं और वो पार्ट सॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं। और आपको पता होगा इस कट प्रोसेस से क्या होता है, विद इन फ्यू डेज कुछ दिनों में ही इस कटिंग से क्या होता है अंडरग्राउंड पार्ट में रूट फॉर्म होता है और बर्ड से क्या फॉर्म होता है शूट फॉर्म होता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। ये कटिंग एस मेथड है, कटिंग में हम क्या करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड, कम से कम टाइम में। और याद रखिए कटिंग में आजकल हम क्या कर रहे हैं पता है, कुछ ग्रोथ हार्मोन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन जैसे हार्मोन यूज कर रहे हैं, इंडोलाइसिक एसिड जैसे हार्मोन यूज कर रहे हैं इसमें कटिंग में, क्योंकि अगर एक कट पोर्शन आपने अगर इंडोलाइसिक एसिड के अंदर इंसर्ट किया एम्बेडेड किया तो क्या होगा आर्ली रूट फॉर्मेशन होता है, रूट फॉर्मेशन आर्ली होता है बिफोर टाइम होता है एंड दैट्स व्हाई कटिंग इज जनरली यूज्ड इन द प्लांट्स फॉर आइडेंटिकल प्लांट प्रोडक्शन फॉर प्योर लाइन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड, सेम प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए
जेनेटिकल आइडेंटिकल। अभी कटिंग में और टाइप है, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग। तो खाली रूट कटिंग में आपको बताऊंगा, रूट कटिंग में क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रूट कट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल याद रखिए, रूट कटिंग के अंदर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक लेमन और ऑरेंज। रूट कटिंग में क्या करते हैं, सिंपली रूट कट करके उस रूट से नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं लेमन एंड ऑरेंज। नंबर दो, स्टेम कटिंग में जो है 20-30 सेंटीमीटर का स्टेम कट करते हैं। कितना? 20-30 सेंटीमीटर का स्टेम कट करते हैं। जनरली स्टेम कटिंग यूज कटिंग में जो है ना, स्टेम कटिंग हम जनरली यूज करते हैं, रोज चाइना रोज, इसमें हम स्टेम कटिंग करते हैं। ओके, शुगर केन में भी स्टेम कटिंग करते हैं। तो स्टेम कटिंग में क्या करना है, स्टेम ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर नोड हो, जिसके ऊपर बड हो और वो प्लांट प्रोड्यूस करता है। और लीफ कटिंग में जो आपको पता है, लीफ कटिंग हम रायफेलो में कर सकते हैं, सेंटिपोलिया में कर सकते हैं, सेंसिवेरिया में कर सकते हैं। सेंसिवेरिया, सेंटिपोलिया, ब्रायोफाइलम, ये जो प्लांट्स है इसमें हम लीफ कटिंग कर सकते हैं। कटिंग हो गया, आई थिंक आपको पता चला है, कटिंग ओवर। ओके, नाउ आफ्टर कटिंग नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है बेटा, बडिंग इज आल्सो कॉल्ड बड ग्राफ्टिंग। बडिंग इज आल्सो कॉल्ड बड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बडिंग में, जो एक प्लांट हम फर्स्ट लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। जो रूटेड प्लांट रहता है, एक प्लांट जो है उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या है, रूटेड प्लांट है, स्टंप है, और उस स्टॉक के ऊपर का पुराना बड हम निकाल देते हैं ना। इस स्टॉक के ऊपर क्या करते हैं, जो पुराना बड था, ओल्ड बड था, वो निकाल देते हैं। कहाँ पे? स्टॉक के ऊपर निकाल दिया, और उसी जगह पे हम क्या करते हैं, फॉरेन बड लाते हैं विच हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। कौन सी है ये? फॉरेन बड है। ओके, उसको हम बोलेंगे सियान। फॉरेन बर्ड को क्या बोलते हैं? सियान बोलते हैं। तो ये सियान हमने अटैच किया कहाँ पे? इस मदर प्लांट के ऊपर। तो मदर को और डॉटर को कंबाइन किया, और फिर क्या होगा, सियान को बांधने के बाद, बर्ड को बांधने के बाद, यहाँ पे इसको रबर स्ट्रिप से पैक कर देंगे। पैक ऐसे करना है कि जहां पे बर्ड ओपन हो जाए, बर्ड ओपन रहना चाहिए। ओके, तो क्या होगा, विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में इस बर्ड से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है और बडिंग फॉर्म होती है। ओके, आपको अभी प्रैक्टिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके, सपोज ये सियान मतलब एक डॉटर है, फॉरेन डॉटर है, जिनकी कैरेक्टर अच्छे है। सियान मतलब फॉरेन डॉटर है, जिनकी कैरेक्टर अच्छे है, दिखने के लिए अच्छे है, उसका टेस्ट अच्छा है, अट्रैक्टिव है। कौन? फॉरेन डॉटर है बर्ड मतलब सियान, और ये कौन है? मदर। तो इस मदर ने क्या किया, आपने जो सगी रियल डॉटर थी, ओके, उनके कैरेक्टर अच्छे नहीं थे, तो उस मदर ने क्या किया, वो रियल डॉटर को निकाल दिया बाहर, क्योंकि उसके कैरेक्टर अच्छे नहीं थे। और उस जगह पे किसको शिफ्ट किया, किसको परमिशन दिया? फॉरेन डॉटर को परमिशन दिया। फॉरेन बर्ड को परमिशन दिया तो क्या होगा, कुछ दिनों में ये फॉरेन बर्ड का कैरेक्टर और ये मदर का कैरेक्टर कंबाइन हो जाएगा, और चांसेस है कि फॉरेन डॉटर जो है भाग जा सकती है, इसलिए मदर क्या करती है, उसको बांध देती है। एक्चुअली ऐसा कोई भी मदर नहीं करती है, ये सब ह्यूमन के बेनिफिट के लिए है, ये सब हमारे बेनिफिट के लिए है। यहाँ पे हम बाहर के प्लांट की बर्ड यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, और उस बर्ड से नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग बडिंग। और बर्ड से क्या होता है, दोनों प्लांट का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, न्यू प्लांट मिलता है आपको विच हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। तो भी फर्क क्या है, सियान क्या है, सियान मतलब फॉरेन प्लांट है विच हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स, एंड स्टॉक क्या है, स्टॉक इज रूटेड प्लांट है स्टॉक, जिसको रूट है, जो वाइल्ड है, जो रूटेड है, जो वाटर एंड मिनरल ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है, ओके, उसको बोलते हैं स्टॉक। डिसिलेशन कैपेसिटी ज्यादा है किसमें, स्टॉक में, डिसिलेशन की कैपेसिटी स्टॉक में है। तो ये दोनों प्लांट को कंबाइन करके न्यू प्लांट हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं बडिंग, या उसी को हम बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। क्लियर? बडिंग आई होप हुआ होगा। अभी बडिंग में और टाइप है, ओके, बाद में देखेंगे हम बडिंग के टाइप्स बाद में। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग में सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों प्लांट को जोड़ते हैं। कौन कौन से दोनों प्लांट्स, जो ऊपर का प्लांट है वो है सियान, जो नीचे का प्लांट है वो है स्टॉक। ये दोनों को कंबाइन करके हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट, और उसको हम कलम बोलते हैं। ये ऊपर का प्लांट कौन सा है, सियान, नीचे का प्लांट कौन सा है, स्टॉक, और दोनों को कंबाइन करके दोनों को यहाँ पे बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद ये सियान के ऊपर जो बर्ड रहती है
दैट बर्ड डेवलप्स इनटू ओके इस बर्ड से क्या होता है न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है सियान के ऊपर के मतलब यहां पे भी हम ग्राफ्टिंग में भी हम क्या कर रहे हैं दो प्लांट को ज्वाइन कर रहे हैं ना तो यहां पे जो रोटेट प्लांट है उसको स्टॉक बोलना है जो फॉरेन प्लांट है सियान बोलना है ऑलरेडी मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है सियान इज आल्सो कॉल्ड अ ग्राफ्ट सियान को हम ग्राफ्ट भी बोलते हैं और स्टॉक को हम रोटेट प्लांट बोलते हैं ना तो दोनों प्लांट को ज्वाइन करके हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अभी ग्राफ्टिंग के टाइप्स है बेटा ग्राफ्टिंग के कुछ टाइप्स है कौन कौन से टाइप के ग्राफ्टिंग के टाइप कौन कौन से है टंग ग्राफ्टिंग है व्हील ग्राफ्टिंग है क्राउन ग्राफ्टिंग है साइड ग्राफ्टिंग है तो ग्राफ्टिंग का मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग ओके सिंपली डायग्राम निकालता हूँ टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग कौन कौन से है ओके ये जो ग्राफ्टिंग है इसको हम वेज ग्राफ्टिंग बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग बोलते हैं जी मतलब ग्राफ्टिंग ना जहां पे वेज से बड़ा क्या होता है सियान फिक्स इनटू द वी से बड़ा स्टॉक स्टॉक का सेल वी कट करते हैं और वेज से बड़ा सियान उसके अंदर छोड़ते हैं उसको वेज ग्राफ्टिंग बोलते हैं सेकंड ग्राफ्टिंग जो बोल रहा हूं आपको दैट इज ओके नंबर वन बोल रहा हूं आपको वीप ग्राफ्टिंग WHIP वीप ग्राफ्टिंग में क्या होता है देखो वेरी सिंपल यहां पे क्या करते हैं हम लोग स्टॉक के और सियान के ऊपर जेड शेप ऑब्लिक कट देते हैं बेटा स्टॉक के ऊपर और सियान के ऊपर दोनों के ऊपर क्या करते हैं झड़के शेप ऑब्लिक कट देते हैं तो याद रखो वाइप ग्राफ्टिंग में एंड वेज ग्राफ्टिंग में स्टॉक एंड सियान का डायमीटर जो था सेम था वेज ग्राफ्टिंग में और टंग ग्राफ्टिंग में ये टंग ग्राफ्टिंग है ना टंग ग्राफ्टिंग में और वेज ग्राफ्टिंग में स्टॉक का और सियान का डायमीटर सेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओके दो हो गए थर्ड में बोल रहा हूँ थर्ड दैट इज क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करते थे एक स्टॉक के ऊपर स्टॉक एक ही रहता है उस एक ही स्टॉक के ऊपर मिनी सियान अटैच करते हैं ना ओके क्राउन का मतलब क्या है मुकुट जैसे रावण के बॉडी के ऊपर 10 हेड थे 10 सर थे वैसे एक ही स्टॉक के ऊपर मिनी सियान हम अटैच करते हैं उसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग और क्राउन ग्राफ्टिंग का बेनिफिट क्या है अगर ये प्लांट 50% मरा है 90% मरा है तो रिमेनिंग पार्ट जो है उससे हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग ठीक है ना क्राउन ग्राफ्टिंग आपको क्लियर हो गया एंड लास्ट इज साइड ग्राफ्टिंग लास्ट वाला कौन सा है साइड ग्राफ्टिंग उसके साइड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं सिंपल है ओके ये जो स्टॉक है उस स्टॉक में क्या करते हैं साइड से हम सियान इंसर्ट करते हैं ना साइड से सियान इंसर्ट करते हैं बाजू से सियान इंसर्ट करते हैं इसीलिए उसको बोलते हैं साइड ग्राफ्टिंग तो ये पूरे ग्राफ्टिंग के चार टाइप हो गए कौन कौन से टंग ग्राफ्टिंग वेज ग्राफ्टिंग ओके क्राउन ग्राफ्टिंग एंड साइड ग्राफ्टिंग दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग जहां पे दोनों प्लांट को कंबाइन करके हम कलम बनाते हैं अटैच करते हैं दोनों को उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग जहां पे दो प्लांट के कैरेक्टर कंबाइन करते हैं ना नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज यार लेयरिंग में क्या करना है सिंपल मेथड है लेयरिंग याद रखो लेयरिंग में क्या करना है सपोज ये सॉइल सरफेस है और ये प्लांट ग्रो हो रहा है ऐसे पहले स्टेम क्या होता है वर्टिकली ग्रो होता है बाद में वर्टिकली ग्रो होने के बाद इसका जो टिप है ये बेंड किया जाता है बेंड दबाया जाता है सॉइल के नीचे स्टेम का टिप जो वर्टिकल था वो बेंड करके सॉइल के नीचे दबाया जाता है इंसर्ट किया जाता है और उसके ऊपर सॉइल डाली जाती है और सॉइल डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा रूट फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या होगा ये न्यू फॉर्म होंगे ना फिर बाद में और एक प्लांट ऊपर आएगा और वर्टिकल ग्रोथ होगा और फिर बिल्ड करना पड़ेगा ओके इस तरीके से हम क्या करते हैं ये प्लांट्स स्प्रेड करते हैं कहाँ फील्ड में उसको लेयरिंग बोलते हैं ओके लेयरिंग में टैप्स है ईयर लेयरिंग जो है ईयर लेयरिंग को हम गुट्टी बोलते हैं GOTTEE गुट्टी मतलब क्या करते हैं ईयर लेयरिंग में सपोज ये स्टेम की ब्रांच है बड़े प्लांट में करते हैं गुट्टी अगर ब्रांच है स्टेम का तो उसके ऊपर का बार निकाला जाता है पहले बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर कुछ कॉटन लगाते हैं हम लोग और उसके ऊपर प्लास्टिक लगाते हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं पानी डालने से क्या होता है कॉटन लगाने से क्या होता है फाइबर डालने की वजह से क्या होता है थ्रेड डालने की वजह से वो पानी सूख अब्सॉर्ब कर लेता है कॉटन और वहाँ पे स्टेम के ऊपर रूट फॉर्म होती है ना स्टेम के ऊपर रूट फॉर्म होती है कहाँ पे ईयर में
और ईयर में जो प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको हम ईयर लेयरिंग बोलते हैं या गुड्डी भी बोलते हैं, गर्डलिंग किया जाता है वहां पे, मतलब स्टेम के ऊपर का भाग निकाला जाता है। और मैंने जस्ट बोला अभी आपको बुटी के लिए, ईयर लेयरिंग के लिए भी हम कुछ ऑक्सीजन जैसे हार्मोन यूज करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, नेफिल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ऐसे कुछ ऑक्सीजन के ट्राइब्स है वो हम यूज करते हैं। एंड लास्ट वन मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या करते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर करते हैं। वैसे सपोज ये मदर प्लांट है, ये कौन है, मदर प्लांट है। इस मदर प्लांट से क्या करते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम कट करते हैं ना, मदर प्लांट का अपाइकल मेरिस्टेम कट करते हैं, ओके, जिसको हम शूट एपिस बोलते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम कट करते हैं और ये आइसोलेट करते हैं, अलग निकालते हैं, उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। बाद में एक्सप्लांट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, स्टरलाइजेशन करने के बाद, स्टरलाइजेशन के बाद करने के बाद उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे डाला जाता है। किसको, एक्सप्लांट को, कहाँ डाला गया, न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर। आप बोलेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है सर, न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब ऐसा सब्सटेंस है कि जो टिश्यू के लिए, एक्सप्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर है, ग्रोथ हार्मोन्स है, कहाँ पे, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। और कुछ ही दिनों में क्या होगा, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ये जो एक्सप्लांट था उसका कन्वर्जन किसमें होगा, कैलस में होगा। आप बोलेंगे सर एक्सप्लांट क्या है, द टिश्यू ऑब्टेन फ्रॉम द मदर प्लांट कॉल्ड एज एक्सप्लांट्स। मदर प्लांट से जो टिश्यू ऑब्टेन करते हैं हम लोग उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। एंड कैलस, द मास ऑफ लूजली अरेंज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ पैरेन्कामा सेल इज कॉल्ड लाइक कैलस। तो कैलस बन गया और कैलस को कट करके हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इसको कैलस को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफर करेंगे। और क्या होगा, कुछ ही दिनों में इस कैलस के जो पीस है वो क्या करेंगे बेटा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। और इस न्यू प्लांट को हम क्या कहते हैं, क्लोन्स। आई होप मैंने आपको बोला था जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और उसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो स्मॉल, प्रोपोगेशन प्रोडक्शंस, स्मॉल टिश्यू से, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट से जब हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और उसी को बोलते हैं सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन। सोमा मतलब बॉडी सेल और क्लोनल मतलब आइडेंटिकल प्लांट सेल बनाते हैं ना, उसी को हम सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन करते हैं। तो शूट आपका भी मेरिस्टेम लेके इसे मल्टीपल प्लांट हम बना सकते हैं क्विकली, विद इन शॉर्ट पीरियड ऐसे प्लांट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके वेजिटेबल प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है कि जो प्लांट्स सीड नहीं बना सकता है, जिस प्लांट के सीड वायबल नहीं रहते, जिस प्लांट की सीड डॉर्मेंसी ज्यादा है, उस प्लांट में वेजिटेबल प्रोपोगेशन फेवरेबल है। जैसे कि आपको पता है बनाना है, ग्रेप्स है, जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता जनरली, तो क्या होगा, उसमें हम वेजिटेबल प्रोपोगेशन यूज कर सकते हैं ना। सो ये उसका एडवांटेज है वेजिटेबल प्रोपोगेशन के। और इस तरह, और आपको ये भी बताया था मैंने, जो क्लोन में इंडिविजुअल मेंबर ऑफ प्लांट मिलता है उसको बोलते हैं रैमेट। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ क्लोन इज कॉल्ड एज रैमेट। तो सिग्निफिकेंस क्या है वेजिटेबल प्रोपोगेशन के, फर्स्ट सिग्निफिकेंस है इट इज इजी मेथड, रैपिड मेथड ऑफ, चीपर मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग प्लांट्स। इजी है, रैपिड है, चीपर मेथड है प्लांट मल्टीप्लिकेशन की, ओके, जहां पे हम इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स, जो रेयर प्लांट्स है, दुर्मिन प्लांट्स है, जो नष्ट हो रहे हैं ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज इट इज यूजफुल फॉर दी दोज प्लांट्स इन विच देयर इज नो सीड वायबिलिटी फॉर लॉन्ग पीरियड। जिस प्लांट में सीड की वायबिलिटी ज्यादा दिन नहीं रहती है, उस प्लांट में हम ये यूज कर सकते हैं, ओके, लेस वायबिलिटी रहने के बाद, ओके, वायबल सीड ना प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, बनाना है, पाइन एपल है, ग्रेप्स है, जिसमें सीड वायबिलिटी कम होती है, सीड कम जिंदा रहते हैं और उसमें हम प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं। और जिन प्लांट की सीड की डॉर्मेंसी भी ज्यादा हो, डॉर्मेंसी मतलब सुप्तावस्था, रेस्टिंग पीरियड, अगर जल्दी से सीड जनरेट ना होता हो तो फिर कितना वेटिंग करना है, वेटिंग ना करने की बजाय हम जल्दी से जल्दी टिश्यू से हम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, ओके, तो
ऑस्विन नहीं बनता है, मतलब जब भी जो भी प्लांट बनते हैं वो आइडेंटिकल बनते हैं, क्लोन बनते हैं, सेम नहीं बनते हैं। ओके, इलाबोरेट द कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ओके, देखो विजुअल प्रोपोगेशन कंपेरेटिवली क्या है, फास्ट है ना। विजुअल प्रोपोगेशन क्या है, कंपेरेटिवली फास्ट मेथड है, क्योंकि इसको मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है। अर्ली टू अर्ली हम प्लांट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फास्ट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। ओके, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, रैपिड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड डिजर्वर प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे बाय जॉइनिंग द सियोन एंड स्टॉक। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टॉक एंड सियोन को जोड़ के न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जो डिजायरेबल हो, यूजफुल हो, कमर्शियली बेनिफिशियल हो, वैसे प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है और डिसीज रेजिस्टेंट है, विगरस है, हेल्दी है। ओके, ट्रांसफर टू द सियोन एंड प्लांट्स टिश्यू कल्चर में हम प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन है वो, जो हम टिश्यू कल्चर करते टाइम डिसीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। कैसे, सपोज यहाँ पे लीफ के ऊपर या स्टेम के ऊपर डिसीज है, मगर हम क्या यूज कर रहे हैं, अपाइकल मेरिस्टेम यूज कर रहे हैं ना, अपाइकल मेरिस्टेम यूज करते हैं। एंड आपको पता होगा अपाइकल मेरिस्टेम इज द सेल वेयर देयर इज अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होता है और उसमें पैथोजन नहीं रहता, माइक्रोब नहीं रहते। सो जनरली फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट्स वी हैव टू यूज द मेथड लाइक माइक्रो प्रोपोगेशन इन प्लांट लाइक शुगर केन फ्रॉम वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए। शुगर केन में जो वायरस डिस होता है वो वायरस डिस को अवॉइड करने के लिए माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में। सो दिस इज अबाउट द ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजुअल प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म बताया था, आज मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स मतलब विजुअल प्रोपोगेशन क्या है, उसके कौन कौन से टाइप है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब आर गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, and dahlia are cultivated? Determine the site of origin of the new plantlets in the plant shown. You will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. Onion is stem modification. Adventitious roots are grown from discoid in the soil. Adventitious buds arise from the notches present at margins of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. Terror of Bengal aquatic plant water, hyacinth, drains oxygen from the water, which leads to death of fishes. Introduced in India for its beautiful flowers and shape of leaves, propagate at phenomenal rates, spread all over water body within a short period of time. It is very difficult to get rid of them. Now let us see few examples of vegetative propagules in angiosperms. A. Eyes of potato. B. Rhizome of ginger. C. Bulbils of agave. D. Leaf buds of bryophyllum. E. Offset of water hyacinth. Rhizome. Modified stem grows horizontally. Distinct nodes and internodes are present with marked apical and auxiliary buds. Adventitious roots present at the ventral side. Example, ginger, gingiber, turmeric, and curcuma. Tuber. Insulanum tuberosum, half-moon-like structures called eyes of potato. These eyes indicate the position of nodes and internodes.
Scale leaves and auxiliary buds are present. Apical bud is also present. Tubers have no roots. Example: Solanum tuberosum, potato. Heliander, tuberosus. Onion. Underground stem modification. Adventitious roots grow towards the soil. Fleshy, scaly leaves, which are eaten, grow above soil, aerial. Auxiliary buds produce new plant. Apical bud shows inflorescence. Tunicate bulbs are seen in Allium sepa, onion. The imbricate bulbs are seen in Allium sativum, garlic. Corm. Underground stem modification. Grows vertically in the soil. Nodes and internodes present. Scale leaves arising at node. Apical and auxiliary buds are present. Auxiliary roots produce daughter roots. Corm shows contractile roots, which are helpful to put the corm in distinct depth. Example: Amorphophallus, Colocasia, etc. Takes place through vegetative propagules, specialized structures which emerge from different parts of the plant. For instance, the stem of a potato plant is dotted with buds known as eyes, which later germinate into new plants. Whereas in a ginger plant, modified stems or rhizomes having nodes and buds act as a means of vegetative propagation. While the buds develop into a new ginger plant, the nodes of the rhizome give way to adventitious roots, which help in the absorption of water and minerals from the soil. Bryophyllum, on the other hand, have notches on the margin of their leaves that give rise to adventitious buds that fall off and later germinate into new plantlets. Apart from buds and nodes, runners, suckers, offsets, and bulbs are other examples of vegetative propagules in plants. Interestingly, farmers and gardeners make full use of vegetative propagation for commercial cultivation of various plants, including strawberry, potatoes, and ginger. Vegetative propagation, however, can turn into a problem in certain cases, like the fishermen of Bengal have discovered. Water hyacinth, an aquatic plant with a phenomenal rate of vegetative propagation, is choking the Bay of Bengal and killing millions of fish, thereby ruining the livelihood of the fishing community. Asexual reproduction, an important biological process that ensures continuity of life, occurs differently in different organisms. Reproduction, an important biological process occurring in living organisms, ensures continuity.